बागी प्रत्याशी भी मैदान में हैं और इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उत्तराखंड में एक बार फिर से सीएम को बदलने की खबर सामने आ गई, तो लगातार वहां पर सीएम बदलते हैं और महज 3.5 महीने के कार्यकाल के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राज्यपाल को इस्तीफा दे दिया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, उत्तराखंड में एक बार फिर से नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति बन गई। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि 10 मार्च को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दिया था और उसके बाद तीरथ सिंह रावत का शपथ ग्रहण हुआ था, लेकिन महज लगभग 3.5 महीने के कार्यकाल में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर से बदलाव। अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए, ब्यूरो चीफ। अजीत जी, जो आशंकाएं थी वही हुआ, आगे का रास्ता क्या है? जी अरे देखिए, बिल्कुल ये आपकी बात सही है। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अभी एक पत्र जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिया है, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि जो जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 151 ए में ये साफ प्रावधान है कि अगर किसी राज्य में सीट रिक्त होते वक्त 1 साल से कम का समय बचता है तो फिर वहां पर आम चुनाव से पहले उपचुनाव नहीं कराया जा सकता। उन्होंने अपने पत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष को संबोधित करते हुए इन कारणों का उल्लेख किया है कि अब चुनाव नहीं कराया जा सकता है और चुनाव आयोग अगर बहुत जबरदस्ती होगी या प्रेशर बनाया जाएगा तो चुनाव आयोग के साथ टकराव की नौबत आ सकती है। इसीलिए ऐसे में एकमात्र रास्ता यही है कि मेरा इस्तीफा उचित माध्यम से यानी राजभवन से स्वीकार कराने का कष्ट करें। और चूंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि राजभवन में भी उन्होंने समय मांगा हुआ है, यहाँ पर देहरादून पहुंचने के बाद वो राजभवन से जैसे ही समय फिक्स होगा तो राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपे हुए पत्र में बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख है कि किस वजह से वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि ये सतही तौर पर बात है और ये टेक्निकल बात इसलिए ऊपर लाई गई है ताकि विरोधी दलों को अब बहुत बिल्कुल अजीत जी, क्योंकि टेक्निकल कारण कुछ भी दे दिए जाए लेकिन ये सवाल तो मन में बना रहेगा कि अपना कार्यकाल वो बिना चुनाव जीते भी 6 महीने तक तो बने रह सकते थे पद पर। जी बिल्कुल, देखिए चूंकि 6 महीने में भी अवधि, चूंकि अभी 2 महीने का समय शेष रह गया है और यदि अगर 2 महीने तक बने रहेंगे और मुख्यमंत्री को हटाना ही एकमात्र विकल्प हो गया है तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया होगा कि इससे तो बेहतर है कि दूसरे को मौका दे दिया जाए ताकि उसके टेन्योर में 2 महीने का इजाफा हो जाए और उसे काम करने के लिए कम से कम 6-8 महीने का समय मिल जाए। तो इसीलिए पार्टी ने यह फैसला लिया कि इनको अभी रिजाइन करवा दिया जाएगा और नए नेता को विधानमंडल का नेता चुनने के बाद उसको मुख्यमंत्री बनवा दिया जाएगा। बिल्कुल, और अजीत जी जिस तरीके से इस्तीफा उन्होंने भेज दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष को, थोड़ी देर में राज्यपाल से मुलाकात होगी, अब अगला नाम कौन होगा, कौन सीएम हो सकता है, क्या इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया होगा, होड़ एक बार फिर से मच गई होगी उत्तराखंड में जो 3 महीने पहले दिख रही थी? देखिए बिल्कुल अध्यक्ष जी, आपने बहुत सही बात कही है। अभी तो यहाँ पर जो कसमकस जो चल रही है उसमें यही हो रहा है कि अगला मुख्यमंत्री क्या विधायकों में से होगा। जैसा पार्टी सैद्धांतिक तौर पर यह निर्णय ले चुकी है कि अगला मुख्यमंत्री विधायकों में से होगा ताकि ये जो पोजीशन इस समय आ खड़ी हुई है कि जो राजनीतिक संकट भारतीय जनता पार्टी के सामने आकर खड़ा हो गया है वो फिर 6 महीने बाद खड़ा ना हो जाए, क्योंकि उपचुनाव हो नहीं सकता और उपचुनाव को कारण बनाकर उसको आधार बनाकर उपचुनाव नहीं होने को आधार बनाकर मुख्यमंत्री का इस्तीफा दिया गया है। तो इसलिए माना ही जा रहा है कि विधायकों के बीच से इस्तीफा होगा। अगर ठाकुर को ठाकुर से रिप्लेस करेंगे तो इसमें सतपाल महाराज, धन सिंह रावत समेत कई नाम हो सकते हैं और अगर ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए तो फिर उसको दूसरे भी नाम यहाँ पर बंशीधर भगत है और तमाम नाम ऐसे हैं जो पार्टी में है, मदन कौशिक है, तो इनमें से अगर किसी को बिल्कुल यानी कि दावेदारों की कमी नहीं है, प्रतीक्षारत सीएमओं की कमी नहीं। लेकिन अजीत जी, जो मुख्यमंत्री पहुंचने वाले थे उत्तराखंड 7 बजे का लगभग वक्त था, क्या वो पहुंच गए हैं देहरादून? बिल्कुल, अभी वो 2-3 मिनट में उनका वो देहरादून पहुंच जाएंगे अगले करीब 8 से 10 मिनट के भीतर और उसके बाद देखना ये है कि उनको अभी राजभवन से समय फिक्स हुआ है कि नहीं है और अगर उनको समय फिक्स हो गया होगा तो उसके राजभवन जाएंगे और अपना इस्तीफा सौंपेंगे और आगे की जैसे संवैधानिक व्यवस्था होती है तो राज्यपाल महोदया उस पर क्या निर्णय लेती है ये फिर देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल अजीत जी, लेकिन अब एक सवाल और भी उठता है कि जैसा कि विकल्पों की आपने बात की, सतपाल महाराज है, धन सिंह रावत है, बंशीधर भगत है, मदन कौशिक है, लेकिन इन सब के बीच जो इस्तीफे वाली बात आई कि उपचुनाव वाली बात आई तो क्या इसे रणनीतिक चूक नहीं माना जाएगा भाजपा का? सवाल तो विपक्ष को उठाने के लिए एक मौका मिलेगा यहाँ पर रणनीति या फिर दलीलें कुछ भी दे दी जाए तीरथ रावत के इस्तीफे को लेकर।
देखिए ये सवाल तो विपक्ष लगातार उठाता आ रहा है कि जब जिस दिन तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया था, क्या पार्टी हाईकमान को इस बात का इल्म नहीं था कि उनके चुनाव, उनका लिए जो चुनाव कराना है उसकी क्या व्यवस्था होगी, और जो सीट खाली हुई है क्या उस सीट पर, जब एक साल से कम समय आम चुनाव में रह गया, क्या उस सीट पर उपचुनाव हो सकता है। तो ये तमाम सवाल तो पार्टी को पहले ही मंथन करके तीरथ सिंह रावत का नाम आगे करना चाहिए था, वरना ये राजनीतिक संकट जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर यहाँ पैदा हो गया है और एक ही विधानसभा के कार्यकाल में तीन तीन मुख्यमंत्री राज्य को देखने पड़ रहे हैं, ये राजनीतिक तौर पर वाकई भारतीय जनता पार्टी को अगले चुनाव में नुकसान कर सकता है, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इसी को मुद्दा बनाकर आगे चुनाव में जाएंगी कि इनके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, राजनीतिक स्थिरता नहीं है, ये मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं, इसलिए इनको वोट देने का कोई फायदा नहीं है। प्रचंड बहुमत की जो सरकार कार्यकर्ताओं के खून पसीने के बाद सत्ता में आई थी, तो उन कार्यकर्ताओं को बहुत निराश होना पड़ रहा है और उनको हर अभी चार महीने भी नहीं हुए कि नए सीएम से रूबरू होना पड़ रहा है, तो कार्यकर्ता पसोपेश में है कि वो क्या उनका स्वागत करें और जाने वाले को क्या विदाई दें। जी बिल्कुल अजय जी, एक सवाल और भी है कि ये तो कार्यकर्ताओं की बात रही कि प्रचंड बहुमत की सरकार देने के बाद भी उनको सीएम थोक में मिल रहे हैं, लेकिन तीरथ सिंह रावत के अगर हम राजनीतिक करियर के लिहाज से माने तो उनके लिए कितना झटका है, कितना उनको बैकफुट पर जाने वाली बात, कभी उनका टिकट काट कर किसी और को दे दिया जाता है, कभी वो सीएम बनकर मोहरा बनकर रह जाते हैं, उनको भी बड़े झटके मिल रहे हैं। देखिए ये आपने बिल्कुल सही बात कही, जब उनका विधानसभा का टिकट चौबट्टा खाल से काटा गया तो सतपाल महाराज को उनका टिकट दिया गया। और बिल्कुल, तो हमारे साथ ब्यूरो चीफ अजीत राठी जुड़े हुए हैं, उनके साथ बात करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। तीरथ सिंह रावत ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस्तीफा भेज दिया है और राज्यपाल से उधर मिलने का वक्त भी उन्होंने मांगा है। ताजा अपडेट यह है कि मुख्यमंत्री देहरादून पहुंच गए हैं और जैसे ही राजभवन से उन्हें मिलने का वक्त मिलेगा वो मुलाकात के लिए जाएंगे। और देखिए सीएम पद के लिए नए नाम कौन हो सकते हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं इस झोड़ में, अगर ठाकुर चेहरों